Amid call for strict adherence to lockdown, a man was arrested in Bhubaneswar for creating and selling fake lockdown passes. The Chandrashekharpur police on Tuesday arrested Subhash Behra for making and selling fake passes and ID cards in the name of several companies. Police arrested Behra following a raid at his shop, which is in Domana areas of the capital city. According to the accused, Subhash Behra, he used to provide these ID cards for free movement during lockdown and weekend shutdown in the city. As per the accused, he used to provide these passes for Rs. 50. Police also seized many such fake passes during the raid. Well, lockdown ne khaya piya paunu aur kaun koriyo? Kotte pass pai kete tonga? 50 tonga. रिक्वायरमेंट अनुसार से विभिन्न कंपनी आगे सप्लाई करुले स्कूल कलेज को कि टाइम जिते लोक मानने पुलिस चेक कला आई कार्ड देखिए लोक अलाउ कलु अफिस् जावाई कि कौन बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट जावाई सेतेबेले किछि कार्ड से विभिन्न स्कूल कॉलेज रो किंबा कोनोसी एस्टेब्लिशमेंट रो आईटी सेक्टर रो ए सब कार्ड करिके से पब्लिक रे ताकु सेल करथिले जार माने धरंदो आपण चाहिले गोटे को प्रेस कार्ड तो ताकु तयारी करथुले को आईटी कंपनी रो नारे भी ताकु करथुले ताकु करिके से विभिन्न लोक बिक्री करथिले एठी इलीगलिटी ता कोन कोठ रहला इलीगलिटी जेहेतु आपण ऑथराइज लोक सिना आपण को जो धरंतु गोटे पर्टिकुलर आपण को टीवी कंपनी रो ओटीवी रो जदी लोगो लागि कि आपण ताकु ऑर्डर देले हमर 100 आई कार्ड दरकार से कहले दैट इज लीगल जन जी आप विदाउट नलेज विदाउट कनसेंट से गोटे कार्ड जी या कला ओ टी ना दैट इज इलीगल। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी न्यूज़।